नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। महाराजगंज में श्रीराम एयरपोर्ट के उद्घाटन और मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां विदेशियों के भारत में प्रवेश करने पर गहन जांच हो रही है। भारत नेपाल सीमा पर SSB, यूपी पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर दिख रही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। महाराजगंज पुलिस की टीम ने बॉर्डर पर ड्रोन का पहरा लगा रखा है। आपको बता दें कि अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ा पहरा देखा जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से सटे दोनों प्रमुख प्रवेश द्वार सोनौली और ठुटीबाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिजनौर की हिमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम गदनपुरा निवासी राम कुमार ने बताया कि खेत पर पानी चलाने को लेकर बीते रात उनके ही परिवार के राकेश पक्ष ने उनके साथ झगड़ा करने का प्रयास किया और उनके गेट पर पत्थर भी बरसाए। हालांकि राम कुमार पक्ष ने समझदारी कर परिचय देते हुए बात को वहीं दबा दिया। बताया जाता है कि अगले ही दिन सुबह जब उनकी बेटी स्कूल वैन में सवार होकर बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय जा रही थी, तभी राकेश और उसकी पत्नी ममता ने उनकी बेटी पर हमला करते हुए वैन से खींच कर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने बाल्टी से भरे हुए लिक्विड नुमा संदिग्ध पदार्थ को भी उसके ऊपर फेंका, जो स्कूल वैन में बैठे मासूम छात्र छात्राओं के ऊपर भी जा गिरा, जिससे बच्चों में हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने बताया है कि जब राजकुमार ने अपनी बेटी को बचाने का प्रयास किया तो दबंगों ने राजकुमार और उसकी बेटी के हाथों को अपने मुँह में भर लिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। उधर हिमपुर दीपा पुलिस को शिक्षिका के साथ मारपीट और एसिड फेंकने की सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार सोनकर ने स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पे मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बदायूं में रोडवेज बस अड्डा शराबियों का अड्डा बना हुआ है। अगर आपको शराब पीना हो तो बदायूं रोडवेज बस अड्डे पर आपको कोई नहीं टोकेगा। दिन हो या रात हो, एक न एक शराबी कार्यालय के बाहर सामने झूमता हुआ नजर आता है। बदायूं का रोडवेज बस अड्डा शराबियों का अड्डा बन चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बदायूं रोडवेज बस अड्डे की शराबियों की तस्वीर बयां कर रही है। बदायूं रोडवेज बस अड्डे के अंदर तमाम स्थानों पर शराब की बोतलें और पौआ पैकेट पड़े नजर आ रहे हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को ना तो सफाई करने का ध्यान है और ना ही शराबियों को मना करने का समय है। आपको नाक के नीचे ये सब दिखाई पड़ेंगे, जबकि रोडवेज बस अड्डे में दो गार्ड भी तैनात हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ गंदगी के तमाम ढेर दिखाई देंगे। योगी और मोदी स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। हरदोई जिले में आग ताप रहे एक दलित अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर SP, SSP, CO समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। परिजनों के मुताबिक 8 दिन पहले खेत में जानवर चले जाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके चलते हत्या की वारदात हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। यह प्रकरण थाना बिलग्राम अंतर्गत नूरपुर गांव का है, जहां पर आज शालिग्राम है घर के पास आग ताप रहे थे। उस समय गुड्डू जो भी बच्ची है वो आया और इनके साथ गाली गलौज की बात को लेके वाद विवाद करने लगा। उसी में आक्रोशित होके गुड्डू द्वारा बाकेश उसके चेहरे और सर पे वार करके उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर से पंचायत नामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एटा में करीब 5 माह पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर में गौशाला से गोवंशों को निकाल कर ले गई गोकशी की घटना में वंचित चल रहा 50,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गौ तस्कर को बीते रात थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबरी की सूचना पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी के दौरान मौके से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, नकदी और 1 इको कार पुलिस ने बरामद किया है। 5-5.5 महीना पहले लक्ष्मीपुर गांव में गौशाला से गायों को निकाल करके, ताला तोड़ करके, बंधक बना करके, सभी को चौकीदार वगैरह को एक तरह से डकैती डाल करके इन लोगों ने काफ़ी गायों को काट करके इसका गौपसी का काम किया था। इन्होंने इन पर गौपसी की धारा और 395 आज धारा कायम हुई थी। और इसमें वहीं फतेहपुर जिले में अपने ससुराल जनों और पत्नी से परेशान पीएससी जवान द्वारा फांसी लगाकर जान दे देने के बाद मृतिका के परिजन पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से दुखी और निराश परिजन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को शिकायत पत्र देकर मृतक युवक की पत्नी सहित ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। मृतक के भाई वीरेंद्र ने बताया कि मैं ललौली थाना क्षेत्र के समदपुर में रहता हूँ। मेरा भाई निरंजू प्रयागराज में पीएससी में नौकरी करता था और उसकी शादी हमीरपुर में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल और उस वाले और उसकी पत्नी उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, जिससे अजीज आकर भाई निरंजू ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पूर्व भाई ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों सहित अन्य ससुराल के लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी बताया था। भाई ने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हमारे भाई को दबाव किया जाता था, उसके साथ बहुत वो कर रहे थे, तो हम कहीं भी जाते हैं हमारे भाई की सुनाई दे रहे हैं, हम बहुत कहना चाहते हैं और हम लोग को भी धमकी दी जा रही है और कहते हैं जो उठाना है उठा लो। हमारे भाई का बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में युवक ने तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली चलने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है। झांसी में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बबीना के गोचीखेड़ा में 16 साल की आदिवासी युवती का शव झाड़ियों के बीच मिला। परिजनों के अनुसार युवती कल शाम से गायब थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर युवती के शव मिलने की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। झांसी के वैस्तम बाजार मानिक चौक में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नील गाय बड़े बाजार की ओर दौड़ते हुए आई और दया सागर कंपाउंड में घुस गई, जहां लोगों ने उसे बंद कर दिया और पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पुलिस के अलावा स्थानीय सभासद ने नगर निगम की टीम को भी बुलवा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम नील गाय को पकड़ सकी। नील गाय को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रही। गनीमत रही कि इस समय बाजार नहीं खुला था, वरना कोई भी घटना हो सकती थी। खबर श्रावस्ती जिले से है, जहां देर रात भिनगा से घर लौट रहे बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। पुलिस की ओर से गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, हादसे में युवक की बाइक में आग लग गई और बाइक घंटों तक धूं धूं कर चलती रही। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मंगलौर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है। साथ ही घने कोहरे के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी देखने को मिली, जहां वाहन लाइट जलाकर चलते दिखे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत द्वारा बसौला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलजी खाल विकासखंड की लगभग 6495 लाख
रुपए की लागत से 5 सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेशन का शुभारंभ करते हुए सांसद रावत ने कहा कि उत्तराखंड में यह सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। इस विकास खंड में एक साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई है जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सड़क अपग्रेडेशन शिलान्यास समारोह में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि बौंसाल कलजी खाल पौड़ी मोटर मार्ग इस जनपद की लाइफलाइन है। कोटद्वार पटीसैंड पौड़ी मोटर मार्ग में व्यवधान होने पर यह मोटर मार्ग वैकल्पिक मोटर मार्ग भी है। इस मार्गों का उच्चीकरण होने से विकास खंड के 86 से भी अधिक गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। कलजीखाल ब्लॉक की 5 सड़कों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था, इधर देखो और जिसमें 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी, यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कलजीखाल वालों का, और साथ में 4 सड़कें और भी हैं प्रधानमंत्री सड़क। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकास खंड कलजीखाल का दौरा लगाया, और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कलजीखाल विकास खंड के लिए मिली है। ऋषिकेश में साई घाट पर एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में बहती हुई दिखाई दी। घाट पर भक्तों को प्रसाद वितरित कर रहे एक बाबा ने अपनी जान पर खेलकर युवती को गंगा से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। पुलिस ने एम्बुलेंस से युवती को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। युवती की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम ज्ञान सिंह बाबा, मैं जो है उत्तर प्रदेश जिला महोबा ग्राम कुहारी का रहने वाला हूँ। शादी हो गई, यहीं रहता, यहाँ सेवा कर रहा था, सुबह खिचड़ी और चाय बांट रहा था। इतने में मेरे को आवाज़ सुनाई दिया, लड़कों ने बोला, बच्चों ने छोटे छोटे, कि कोई औरत बह रही है। तो मैं दौड़ लगा के गया, और दौड़ लगा के हुए मैंने देखा तो वो बह रही थी। तो मैंने गंगा में छलांग लगा के कूद के उसको काफ़ी दूर तक पैरता रहा, पैरने के बाद फिर खींच कर लाया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।